Dear students, parents and guardians, welcome to the Synthesis Online Education Program. Online Guru Mantra Program की शुरुआत हम कर चुके हैं और आज पहली क्लास जिसके अंदर अपन सबसे बेसिक बात पर बात करने जा रहे हैं, जो कि ये सवाल मुझसे सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने पिछले 21 सालों में पूछा है और आने वाले समय में भी हजारों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये बात पूछते रहेंगे। हम अपने हर साल एवरी ईयर अपन जो तैयारी करवाते हैं उसके अंदर हर क्लास के अंदर शुरुआत के एक या दो क्लासेस में हम यही बात बताते हैं कि आप जिस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हो उसको पहले अच्छी तरह समझ लो। जिस शेर का शिकार करने आप जा रहे हो वो शेर कितना ताकतवर है, उसको क्या क्या चाहिए, उसके क्या क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक बातें हैं, हमें उसे किस तरह से अपने काबू में करना है। तो शेर को पछाड़ने से में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि शेर है क्या, पहले उसको जानना। तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एम्स हो, पहले नीट और एम्स अलग अलग हुआ करते थे, आजकल जो है वो नीट और एम्स का सेम एक ही एग्जाम कर दिया है। जो टॉपर्स है वो अपने एम्स के कॉलेजेस चूज कर लेंगे, उसके बाद अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर जो है वो, और उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस भी कुछ स्टूडेंट्स जाएंगे और साथ साथ में आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कॉलेजेस में एडमिशन भी इसी नीट एग्जाम के थ्रू होगा। ये आपका जो नीट एग्जाम है ये ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट भी है, इसके थ्रू आप ऑल इंडिया कोटा के जो प्री वेटनरी की जो सीट्स हैं, वेटनरी कॉलेजेस की 15% सीट्स हैं। ये आपको शायद पता ही होगा, पहले मैं प्री मेडिकल वालों को बता दूं कि कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित कॉलेजेस हैं, जो सेंट्रल कॉलेजेस की तरह माने जाते हैं एम्स, उनमें तो सारे इंडियंस के लिए, सभी स्टेट के बच्चों के लिए एक जैसे हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो कास्ट वाइज रिजर्वेशन है वो तो सब में ही है, लेकिन स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिजर्वेशन नहीं है। उसके बाद में आते हैं सभी स्टेट्स के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, उनमें क्या होता है कि 85% सीट्स उन बच्चों के लिए रिजर्व होती है जो उस स्टेट के बच्चे हैं, और 15% सीट्स जो होती है वो ऑल इंडिया बच्चों के लिए होती है। जैसे अगर आप राजस्थान के हो तो राजस्थान की 85% सीट्स जो है राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस की, वो आपके लिए है, राजस्थान स्टेट के बच्चों के लिए है, और 15% सीट्स ऑफ एवरी कॉलेज जो है वो ऑल इंडिया ओपन होती है, जिनकी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, और 85% सीट्स की जो है वो स्टेट काउंसलिंग होती है। इंजीनियरिंग में जो है वो इसी तरह से स्टेट कोटा है और साथ साथ में ऑल इंडिया कोटा भी है, और जो IITs कॉलेजेस हैं, NITs हैं, इनके अंदर हमेशा ऑल इंडिया कोटा होता है। गर्ल्स कोटा या जो कास्ट वाइज कोटा है वो अपना अलग से रहता ही है हमेशा। गर्ल्स कोटा इंजीनियरिंग के अंदर है, मेडिकल के अंदर भी 25% सीट्स हर कॉलेजेस के अंदर जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है, उसमें भी फिर वही कैटेगरी वाइज, कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो है। तो इस तरह से ये जो प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं ये पूरे साल में एक बार होते हैं, प्री मेडिकल एग्जाम, जिसको अब नीट एग्जाम बोलने लगे हैं। पहले प्री मेडिकल बोलते थे, हर स्टेट का अपना प्री मेडिकल टेस्ट अलग होता था, ऑल इंडिया PMT अलग होता था, फिर दोनों को मिला करके जो है वो नीट बनाया गया, और बाद में उसमें जो है वो एम्स के कॉलेजेस भी शामिल कर दिए गए। अब तो सारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कॉलेज हो, BHU कॉलेज हो, या किसी भी कोई भी तरह का एनी टाइप ऑफ मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज एंड ऑल इंडिया सीट्स ऑफ वेटनरी, ये सारी की सारी नीट के थ्रू फिलअप होती है। अब आ जाते हैं प्री इंजीनियरिंग पर। प्री इंजीनियरिंग जो है वो JEE मेन के दो राउंड होते हैं। JEE मेन के द्वारा आपको एडमिशन मिलता है आपकी जो है वो NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज के अंदर, गवर्नमेंट जो स्टेट कॉलेजेस हैं उनके अंदर, उनकी काउंसलिंग फिर अलग से होती है, फिर जो है वो रेपुटेड प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, और JEE मेन के दो राउंड होते हैं, एक जनवरी में एक अप्रैल में, जो इस बार आगे पोस्टपोन होकर के अब 18 to 22 July, 23 July तक होगा सेकेंड राउंड ऑफ JEE मेन, और फिर होता है JEE एडवांस। जो बच्चे JEE मेन के अंदर टॉप 20% ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं, और साथ साथ में जो अपने बोर्ड एग्जाम्स में 75% या उससे वो मार्क्स सिक्योर करते हैं वो लोग JEE एडवांस के लिए अपीयर होते हैं। जो संख्या JEE मेन की आप यूँ समझ लीजिए ऑलमोस्ट, मैं कोई एकदम फिक्स फिगर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट फिगर, साल साल हर साल थोड़ा बदलता रहता है, लगभग जो 200,000 स्टूडेंट ऑफ JEE मेन है, फर्स्ट 2,000 स्टूडेंट्स ऑफ JEE मेन जो है वो JEE एडवांस में जाएंगे, और एंड विद दोज हु हैव सिक्योर्ड 75% और मोर मार्क्स इन देयर बोर्ड एग्जाम ऑफ 12th।
जेई एडवांस में आप जानते हो आपको दो ही मौके मिलते हैं, एक विद ट्वेल्थ और एक विदाउट ट्वेल्थ, विद ट्वेल्थ एंड आफ्टर ट्वेल्थ। विद ट्वेल्थ वाला मौका अगर आप चूक गए तो फिर आगे दो मौके नहीं मिलेंगे, फिर आप एक मौका लैप्स कर जाओगे, एक अपॉर्चुनिटी लैप्स कर जाओगे। तो आपको जेई एडवांस का एक मौका मिलता है विद ट्वेल्थ और एक आफ्टर ट्वेल्थ, एक ड्रॉप लगा सकते हो आप मैक्सिमम, है ना। तो दो मौके मिलेंगे, इसलिए हर एक को ये मौके ग्रैब करने ही चाहिए। तो इस तरह से ये जो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं, दीज आर द मोस्ट रेपुटेड एग्जाम्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली ऑफ इंडिया। ये केवल भारत के ही नहीं, इन एग्जाम्स की इतनी पारदर्शिता है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है, और हम जो है वो इनके अंदर इतना बढ़िया सिस्टमेटिक मेथड ऑफ सिलेक्शन है कि इन एग्जाम्स की सराहना जो होती है वो पूरे विश्व में होती है इंडिया के इन एग्जाम्स की तैयारी की। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की खुद की सीट्स क्या हैं और कौन कौन से कॉलेजेस कवर होते हैं, ये हमने देखा प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है जो स्टूडेंट्स बार बार हमसे पूछते हैं, पेरेंट्स बार बार पूछते हैं कि सर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हम इजीली सेलेक्ट हो जाएं, हम बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स भी हमें नहीं करने पड़े, लिमिटेड टाइम पीरियड हमारे पास होता है, तो हम किस तरह से तैयारी करें कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो इतनी हो कि सक्सेस के जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा हो। तो देखिए तीन मेन स्टेप्स माने जाते हैं इसके सिलेक्शंस के अंदर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग, क्योंकि ये टफ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, साइंस कभी भी टफ नहीं होती। साइंस को अगर आप सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप समझते हो, विद रीजनिंग, लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग होता है, एक मूवी की तरह चलता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम की तरह चलता है। लेकिन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं वो थोड़े टफ हैं, क्योंकि जहां 10 से 15 लाख लोग एग्जाम्स में अपीयर हो रहे होंगे और लिमिटेड सीट्स होंगी, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 सीट्स होंगी, तो मान लीजिए कि आप 15 लाख लोग बैठ रहे हैं और 45,000 सीट्स हैं सारे कॉलेजेस की, प्राइवेट सब मिला मिलू करके 45,000 सीट्स हैं, तो 3% स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, है ना। 2-3% सिलेक्शन के चांसेस रेशियो रहता है, और बाकी 97% लोगों को जो है वो एम्प्टी पॉकेट रहना पड़ता है, एम्प्टी हैंडेड रहना पड़ता है। तो फिर क्या किया जाए कि हमारे हम उन 2-3% में आ जाएं, या हम सेलेक्टेड होने वाले स्टूडेंट से। एक तो आपको संख्या को देख के इतना घबराना नहीं है, संख्या दिखने में 10 से 15 लाख है, लेकिन वास्तव में जो सही ढंग से तैयारी करके प्रॉपर जगह पर अच्छे इंस्टीट्यूट्स में तैयारी करके, जो प्रिपरेशन अच्छी, गाइडेंस अच्छे, लेबोरियस तरीके से मेहनत करके जो देने वाले तैयार होते हैं, मेहनत तो चलो सबकी अपनी अपनी होती है, है ना। मेहनत तो हो सकता है कि स्टूडेंट में नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट भी ज़्यादा कर रहा हो, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छे मेंटर्स के अंडर में तैयारी करने वाले, अच्छे टीचर्स के अंडर में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स 2-2.5 लाख ही हैं। तो असली कॉम्पिटिशन उन 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स में है, और आपको उस 2-2.5 लाख में से टॉप 20,000 में आना है, टॉप 10% में आना है। तो इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगा आपके लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की खोज, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन। भाई बिना द्रोणाचार्य के अर्जुन नहीं बना जा सकता, एकलव्य भी अगर धुरंधर बना तो वो भी द्रोणाचार्य की मूर्ति के आगे उतनी श्रद्धा से द्रोणाचार्य को अपने अंदर फील करते हुए फिर जाकर के बना। तो गुरु तो चाहिए, कर्ण को मना कर दिया द्रोणाचार्य जी ने, तो वो गुरु की तलाश में निकला और उसने परशुराम जी से शिक्षा ली। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमें द्रोणाचार्य परशुराम तो चाहिए ही चाहिए, अगर हमें सेलेक्ट होना है तो, अगर हमें जीवन में सफल होना है तो, किसी भी विधा में सफल होना है तो, करियर बनाना है तो। क्योंकि नॉलेज जो साइंस है, जो नॉलेज है, जो ह्यूमन ने, हम मानवों ने बड़ी संचित करके, बड़ी खोज अनुसंधान और निरंतर प्रयास और मेहनत के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, वो उसके कुछ धुरंधर एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो नॉलेज जो है वो आगे डिलीवर करते हैं। तो आपका जो गुरु है, आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो जितने एक्सपर्ट होंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल, तो जैसे आप अगर किसी चिकित्सा का करवा रहे हो, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो हॉस्पिटल का उतना बड़ा रोल नहीं है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग का, है ना, हॉस्पिटल की मशीन्स का रोल है, टेक्नोलॉजी का रोल है, लेकिन उससे भी अहम रोल है डॉक्टर का। उसी तरह से आपके इंस्टीट्यूट, आपके स्कूल, आपके कोचिंग की, आपकी बिल्डिंग आपको नहीं देखनी है कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ठीक है उसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, लेकिन आपको उसके अंदर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं
उनका रिजल्ट, उनका जो है वो, उनका मेहनत करने का तरीका, उनका एक्सपीरियंस, उनकी ख्याति, सब चीजें मैटर करती है ना। कोई अच्छा न्यू कमर टीचर भी अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन कम से कम आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आप कम से कम ऐसे टीचर्स के पास जाने की कोशिश करें जिन्होंने एटलीस्ट 2 to 3 hours का एक्सपीरियंस तो मिनिमम ही हो, और उन्होंने बहुत जल्दी या तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हो, और या उनका अच्छा एक्सपीरियंस हो। आपको मैं बता दूं, मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते हुए कहानियों को समझाता चलूंगा, बात को समझाता चलूंगा, कि जब पांडु के पुत्र पांडव और पांडवाज जिनको हम बोलते हैं, और धृतराष्ट्र के पुत्र जिनको हम कौरव बोलते हैं, ये जब लगभग 13, 14, 15 ईयर्स के हुए, तो भीष्म पितामह गुरु की खोज के लिए निकले कि इन बच्चों को शिक्षा देनी है, इन कौरवों को और पांडवों को शिक्षा देनी है, तो बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए, शस्त्र विद्या, ज्ञान, धर्म, नीति, सबकी बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसके लिए वो एक अपनी एक उन्होंने डिस्कवरी की, पूरी एक रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को सेलेक्ट किया और उनसे आग्रह किया। एक इतने बड़े राजा, राजघराने के इतने बड़े शक्तिशाली पुरुष ने जाकर के उनसे रिक्वेस्ट की, द्रोणाचार्य उनके पास नहीं आए, उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज आप गुरुजी आप जो है हमारे इन बालकों को शिक्षा दीजिए, और इसके लिए आप जो भी कहेंगे हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, ये बच्चे आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत भगवान कृष्ण भगवान थे वो तो, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के वो रहे, वहां जाकर के उन्होंने शिक्षा ली। तो जब भगवान को भी गुरु की आवश्यकता है जीवन ज्ञान लेने के लिए, नीतिक ज्ञान लेने के लिए, नीति ज्ञान लेने के लिए, विज्ञान के लिए, तो फिर ये तो एक ये कहानियां, ये जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये हमें बताता है कि हमने भी जो हमारा ज्ञान लिया है हमारे गुरुओं से, हमारे आदरणीय गुरुओं से लिया है, उनके बिना हम कुछ नहीं है, और हमारे विद्यार्थी इस ज्ञान को हम ले रहे हैं, हम तो वाया मीडिया हैं, जो उनसे सीखा, जो हमने जो है उसको गुणा, और उसके बाद हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप एक अच्छे शिक्षक समूह का चयन करें उनको, और आप बिल्कुल अच्छी तरह से जांच परख के चयन करें। आसान सब अच्छे हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, लेकिन जो आपको सूट करता है ना, जो उसको कई तरीकों से आप जांच सकते हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका एक्सपीरियंस, उस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट, उस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट। द्रोणाचार्य के पास इसलिए गए कौरव और पांडव क्योंकि उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया था, और हर व्यक्ति कर्ण चाहता था कि मुझे द्रोणाचार्य एजुकेट करें, एकलव्य चाहता था कि मुझे द्रोणाचार्य एजुकेट करें, तो क्योंकि अच्छे लोगों के पास सबको जाना चाहेंगे। अब इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कैसे करें, इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल देखने चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल देखना चाहिए, बिल्डिंग नहीं देखनी चाहिए, सुविधाएं नहीं देखनी चाहिए, आपको नॉलेज देखना चाहिए, एक्सपीरियंस देखना चाहिए, रिजल्ट देखना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप इंस्टीट्यूट का नाम सुन करके चले गए कि साहब ये इंस्टीट्यूट है, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, लेकिन आपको जिस बैच में एडमिशन मिल रहा है उस बैच में कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस है, आप पूरी आदर के साथ पूछें, है ना। आप टीचर को जज नहीं कर रहे हो, आप टीचर को कोई मार्क्स नहीं दे रहे हो, आप वहां पर अपने करियर को सौंपने जा रहे हो, इसलिए आप पूरा अच्छी तरह से, पूरे आदर के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उन शिक्षकों का, आप और आपके पेरेंट्स विशेष रूप से इस बात को ध्यान देवे, पूरा एनालिसिस करें कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ जो प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग का नॉलेज है कैसा मिलेगा, वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है, वहाँ जो है वो बच्चों को कहीं शूडो मॉडर्न बना करके खाली ट्रैप तो नहीं किया जा रहा है, बल्कि वहाँ पर कड़े नियमों के द्वारा विनम्र स्वभाव से पूरी हेल्पिंग नेचर, पढ़ाई में पूरी हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए, बाकी रूल बहुत कठोर है वहाँ के, है ना। वहाँ मोबाइल रखने नहीं दिया जाता क्लास के अंदर, वहाँ जो इस तरह के जो स्ट्रिक्ट रूल्स वाले कॉन्फिडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास आप जाइए। जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जो केवल आपको कस्टमर समझ करके आपकी सुख सुविधाओं को, आपको चाहे वो सुख सुविधाएं आपको बिगाड़ ही रही हो, बस उनको दे करके जो है वो आपको खुश करके अपना एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट की तरह अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है, अपने केवल अर्थ उपार्जन में लगा है और वो चाहता है कि ठीक है जब तक हो जाए तब तक बढ़िया, तो ऐसे इंस्टीट्यूट से बचिए, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। उस समय भी खराब गुरु थे, अच्छे गुरु थे, सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, आज भी अच्छे खराब हर तरह के हैं।
तो इसलिए हमें डॉक्टर और अपने शिक्षक का चुनाव बहुत ही ध्यान से समझदारी के साथ करना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें आप देखें, आप उनका एक्सपीरियंस देखें, आप वहाँ का डिसिप्लिन देखें, वहाँ का रिजल्ट देखें। वहाँ अगर कठोरता से मेहनत करवाई जाती है तो आप उसको बहुत बढ़िया, वो आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए कि बहुत अच्छा, यहाँ की रेगुलरिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, पंक्चुअलिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, स्टूडेंट पे पर्सनल अटेंशन बहुत है, टीचर्स बहुत एक्सपीरियंसड हैं, कोई 10 ईयर का एक्सपीरियंसड है, कोई 20 ईयर का, कोई 15 ईयर का, इस उस शहर के बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पर, और वो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ टीचर्स दे रहे हैं। यंग भी अच्छे टीचर्स हैं, यंग और ओल्ड एज टीचर्स का एक कॉम्बिनेशन है, एक्सपीरियंसड और न्यू टीचर्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो वो कॉम्बिनेशन वहाँ मिलना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ के थोड़े बहुत लोगों से पूछने से, एक्स स्टूडेंट से पूछने से, अपने आसपास के वहाँ के जो बुक स्टॉल्स हैं उनसे पूछने से, वहाँ के जो इस तरह के जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछने से आपको पता चल जाता है। तो इसलिए आप बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करें। सुविधाओं भी उचित होनी चाहिए, बिल्कुल कम सुविधा से भी आदमी की डिस्टर्बेंस होती है पढ़ाई की, इसलिए ठीक है। इंस्टीट्यूट का जो वातावरण है कूल होना चाहिए, इंस्टीट्यूट का जो शांत माहौल होना चाहिए, बहुत कोलाहल नहीं होना चाहिए, तो उसका भी फर्क पड़ता है। बट वो सेकेंडरी चीजें हैं, प्राइमरी चीज वो चीज ध्यान रखो और सेकेंडरी भी ध्यान रखो, और फिर अच्छी तरह से कंपेयर करते हुए एक बार श्रद्धा के साथ जिसको अपना लो, फिर उस पर पूर्ण विश्वास करो। बच्चे क्या करते हैं, एक्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, फिर वाई जेड पी क्यू आर एस को देखते रहेंगे, वो क्या करवा रहे हैं, वो क्या करवा रहे हैं। आप पहले देख लो, आप पहले कंपेयर कर लो, हिंदुस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूट है आप सबको कंपेयर कर लो, लेकिन एक बार जिस इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कर लिया, फिर आपके लिए वो इंस्टीट्यूट नहीं है, वो आपके लिए मंदिर है भगवान का, आपको उस पर प्रगाढ़ श्रद्धा रखनी है। और वहाँ के जो टीचर्स के कहे गए वाक्य हैं वो आपके लिए पत्थर की लकीर होने चाहिए। फिर तो अच्छे इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन के मैंने कुछ क्राइटेरिया बताए, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स, रिजल्ट्स एंड डिसिप्लिन, तथा वहाँ की टेस्ट सीरीज कितनी स्ट्रांग है, वहाँ की खुद की टेस्ट सीरीज है या वो किसी से टेस्ट सीरीज हायर ही करते हैं, तो उसकी टेस्ट सीरीज को देखना बहुत जरूरी है। क्लासरूम कोचिंग के टीचर्स का एक्सपीरियंस, स्पेशली आप जिन बैचेस में जा रहे हो उन उन बैचेस का टीचर्स का एक्सपीरियंस, विशेष रूप से खाली इंस्टीट्यूट के 3-4 टीचर्स का नाम सुनकर नहीं, आपके बैच के टीचर्स जो है उनका नाम भी सुनना है। साथ में व्यवस्था बहुत बढ़िया होनी चाहिए, खाली टीचर्स का ग्रुप भी कुछ नहीं करवा सकता, रेगुलर टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, उसमें काफ़ी अच्छी संख्या में कम से कम ईच कोर्स में 500-400 बच्चे बैठने चाहिए, ताकि आपको एक लेवल्ड कंपटीशन मिले और आप पता लगा पाओ अपना अच्छी तरह से, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाएगी। आपका कोर्स अलग चल रहा होगा, केवल वो नाम के लिए हम सेटिस्फेक्शन के लिए ज्वाइन कर लेते हैं, उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो आपके इंस्टीट्यूट की एक बहुत परफेक्ट रेगुलर लेवल्ड टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, जिसको बच्चे काफ़ी सेटिस्फेक्शन के साथ देते हों, और डिसिप्लिन का माहौल होना चाहिए। तो क्लासरूम कोचिंग के अच्छे टीचर्स, टेस्ट सीरीज का परफेक्ट मैनेजमेंट, टाइमली कोर्स करवाने का पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए, टेस्ट सीरीज का पूरा ध्यान होना चाहिए, टेस्ट पेपर सॉल्व करवाने की परंपरा वहाँ होनी चाहिए, और साथ साथ में अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए। केवल मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन। बहुत बड़े बड़े 250-250, 300-300 बच्चों के बैचेज नहीं होने चाहिए। अगर हैंडसम, अगर मान लीजिए टारगेट लेवल पर 100-150 बैचेज के स्टूडेंट्स हैं, और फाउंडेशन लेवल पर जो 11th 12th लेवल जिसको हम बोलते हैं, वहाँ 60-70-80-90-100 स्टूडेंट्स तक के बैचेज हैं, तो वहाँ प्रॉपर है। 250-300 के बैच में आप क्या कर रहे हो टीचर को पता ही नहीं चलेगा। तो ये तो हुआ इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन की बात। दूसरी बात, चलिए इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन हो गया, बढ़िया इंस्टीट्यूट मिल गया, 1/3 काम हो गया, 1/3 काम पूरा हो गया, लेकिन अभी 2/3 बाकी है। दूसरा जो 1/3 रोल आपको प्ले करेगा आपके करियर बनाने में, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के सिलेक्शन के अंदर, वो होगा आपका खुद का स्वभाव, आपकी माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस क्या है सिलेक्शन के प्रति, इसमें क्या क्या बेसिक बिहेवियर चाहिए, ये देखिए मैंने कुछ यहां पर बातें लिखी हैं जिससे कि आप और ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओ। पहला पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं, सिलेक्शन ऑफ ए लेवल्ड इंस्टीट्यूशन स्कूल एंड कोचिंग सेंटर। 11th 12th में स्कूल भी अच्छी सेलेक्ट करनी पड़ेगी और कोचिंग सेंटर भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ड्रॉपर्स हो आप, 12th पास कर चुके हो, तो आपको बढ़िया कोचिंग सेंटर को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है बेसिक नीड्स टू क्रैक, बिहेवियर क्या नीड चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या चाहिए, हमारा दिमाग की जो जो हमारा जो माइंड सेट है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए देखिए कुछ बातें जो हम एक एक करके पॉइंट को लेते चलेंगे। और ये केवल नीट और जेई की बात नहीं है,
किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जहां आपका पूरा नॉलेज जो है वो आपको एक टाइम पीरियड के अंदर एक टाइम बाउंडेड तरीके में आपको बताना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपकी एक साल की दो साल की पूरी तैयारी आपको 3 to 6 आवर्स के अंदर पूरी बतानी पड़ेगी। तो वहां बहुत जबरदस्त नॉलेज चाहिए, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस चाहिए। नॉलेज एंड प्रैक्टिस ये दोनों मिलकर के, नॉलेज भी आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल वे में मिला हो और आपने उसकी जम के प्रैक्टिस कर रखी हो, जो आपको प्रैक्टिस करवाई गई वो भी परफेक्ट लेवल्ड हो। ऐसा नहीं हो कि उस एग्जाम के लेवल से बहुत टफ प्रिपरेशन करवाई जा रही हो, फालतू में टाइम वेस्ट करवाया जा रहा हो। ऐसा भी नहीं हो कि उस एग्जाम से कम लेवल की तैयारी करवाई जा रही हो, केवल आपको खुश करवाया जा रहा हो। दोनों का लेवल, लाइफ इज ए मैटर ऑफ बैलेंसिंग, जीवन संतुलन का नाम है। जिसके पास संतुलन नहीं है, संतुलन बहुत जरूरी है, संतुलित आहार लेना जरूरी है, उससे ज्यादा भी काम का नहीं है, उससे कम भी काम का नहीं है। तो उसी तरह से आपको उस इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना है कि वो आपको प्रिपरेशन कैसे करवाता है। दूसरी बात, चलिए हमने बहुत अच्छे संतुलित एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति का जो है ना समूह का हमने इंस्टीट्यूशन का तैयार कर लिया। हाँ, जहां तक अगर संभव हो सके तो अलग अलग प्राइवेट ट्यूशन से बचिए। उससे क्या होता है कि आपका बहुत टाइम लॉस होगा, कोई एक सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग मेथड नहीं होगा। आप बोलोगे नहीं सर, हम तो 3 अच्छे अच्छे टीचर ज्वाइन कर लेंगे और एक चौथी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो तीनों टीचर्स और उस टेस्ट सीरीज का कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं चल रहा। सिंक्रोनाइजेशन नहीं चल रहा तो क्या हुआ कि आप अपने आप को हर 14 दिन से कंप्लीटली जज नहीं कर पा रहे हो। जब कंप्लीटली अपने आप को जज नहीं कर पाओगे, अपने आप को टेस्टिफाई नहीं करोगे, अपने आप को एक टेस्ट के पूरे मशीनरी में से गुजारोगे नहीं, जहां परफेक्ट टेस्ट हो रहा हो, परफेक्ट सिस्टम के साथ हो रहा हो, पेपर सॉल्व भी करवाया जा रहा हो, तो वो एक इंस्टीट्यूट में ही संभव है। इंडिविजुअल ट्यूशंस में ऐसा संभव नहीं हो पाता, टाइम वेस्ट भी ज्यादा होता है और वो मजा भी नहीं आता। केवल हम नामों के पीछे भाग कर जाते हैं और वो नाम जो फिर हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं दे पाते। तो इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन के बाद फिर हम आते हैं, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या क्या करें जिससे कि जो है वो हमारे अंदर क्या, हमारे स्वभाव में क्या होना चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए जिससे कि हम अर्जुन बने और हम सफलता के शिखर तक पहुंचे, हम जिस विधा में हाथ डाल लें वहां के अर्जुन बने, इसके लिए हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा आपको एक संपूर्ण मानव बनाती है। जब तक आप एकेडमिक चीजें दे देकर के पास करते रहते हो, आप 80% ले आए तो भी घर वाले खुश है, 90 ले आए तो भी खुश है, 95 ले आए तो भी खुश है, आपने सब्जेक्टिव एग्जाम दिया, आपकी तैयारी थी सो आपने ठीक है उसको सब्जेक्टिवली अच्छे ढंग से पढ़ लिया था, कई बार चीजें समझ में नहीं आई उसके बावजूद आपने एक बार रट रटा काम चला लिया, थोड़ा कम कोर्स था, कोई दिक्कत नहीं है और आपके 95% आ गए। लेकिन आप, मैंने कई बार देखा है कि 12th में 95% लाया हुआ स्टूडेंट तुरंत नेक्स्ट 1 month या 2 month के बाद में प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग एग्जाम है उसमें बैठता है, वहां उसके नंबर आते हैं 30%, उसके मार्क्स आते हैं 20%। वो कहते हैं ये क्या हो गया, 90% 95% वाला 20% पर आ गया, क्योंकि उस एग्जाम का जो मेथोडोलॉजी था वो बहुत अलग था। यहां पर आपको हर चीज की डेप्थ में ले जाया जा रहा है, माइक्रो एनालिसिस करवाया जा रहा है, एक साइंटिस्ट की तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए, वो साइंटिफिक माइंडसेट चाहिए, चीजों को फैक्ट्स को केवल रटना नहीं है, फैक्ट्स को केवल रट रटा के आपको लिखने की स्पीड के साथ सब्जेक्टिवली ठीक ठाक, भाई मुझे इस कमरे का एक्सप्लेन करने को कहा तो मैंने इस कमरे का थोड़ा ठीक है ढंग से एनालिसिस कर लिया, बारीक एनालिसिस नहीं किया और फिर मैं जो है वो उस कमरे को ठीक ठाक, मेरी राइटिंग भी थोड़ी अच्छी थी वो, और मैंने बढ़िया ढंग से उसको पॉइंट वाइज थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, 10 पॉइंट में से मैं 9 पॉइंट्स भी लिखाया तो 90% मार्क्स मुझे मिल जाएंगे। अब कॉम्पिटिशन एग्जाम तो मान लिया कि वो जो 1 पॉइंट आपने छोड़ रखा उसी पर क्वेश्चन आ गया, वहां तो कोई एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो फिर आपका वो रूम का एक्सप्लेन करना, उस रूम को पढ़ना तो जीरो हो गया। तो इसलिए आप 10 में से 1 भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते। अच्छा, पॉइंट को भी आपको कुरेद कुरेद कर, पॉइंट पे भी सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस कमरे के बारे में 10 पॉइंट्स बताइए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे इस रूम में मान लीजिए कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है, आपको तरह तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए उस रूम के अंदर एक टेलीविजन है, एक कंप्यूटर है ना, 2 बल्ब है। अब बल्ब हो गया इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर टेलीविजन हो गया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक, कईयों को तो पता ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, उनके लिए तो दोनों एक जैसे ही हैं। तो वो बोलेगा मिलते जुलते शब्दों से भी आपको फंसाएगा, वो बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कितने इस कमरे में बताइए,
इस कमरे में उपस्थित रूम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की संख्या का अनुपात रेशियो बताइए। मतलब पूछ इस कमरे के बारे में रहा है लेकिन घुमा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरह तरह से, तो आपने एक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देख रखा होगा इस रूम की, एक एक इलेक्ट्रिक डिवाइस को देख रखा होगा, एक एक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको डिफरेंस पता होगा, आपको काउंट करना आएगा, आपके अंदर स्पीड होगी, आपके अंदर कैलकुलेशन स्पीड होगी, रेशियो निकालना आएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में वो आपकी मैथमेटिक्स भी जांच लेगा, वो आपकी साइंस भी जांच लेगा, आपकी स्मार्टनेस भी जांच लेगा। तो इस तरह के थोड़े कोर्स वही है, उसी कमरे को पढ़ना है, ट्वेल्थ के लिए भी उसी कमरे को पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उसी कमरे को पढ़ना है, लेकिन अलग नजरिए से पढ़ना है, अलग आत्मविश्वास, अलग गहरी पैनी नजर से पढ़ना है। तो पढ़ना वही कमरा है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को मेरा ये हमेशा से स्ट्रांग रहा है मत मेरा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को 11 12 से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, आफ्टर 12 प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। उससे आप अननेसेसरीली उसी चीज को जो है वो टाइम वेस्ट कर देते हो, उसी चीज को हल्के लेवल पे पढ़ करके अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम बर्बाद कर देते हो। इवन 9 10th लेवल से आपको ये अप्रोच साइंस और मैथ सब्जेक्ट्स में लानी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को चाहिए, इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को चाहिए। जीवन में वैज्ञानिक पद्धति आपको जीवन की हर विषय में रखनी पड़ेगी। आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट भी हो तो भी, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो भी, आपको साइंटिफिक अप्रोच रखना पड़ेगा हर चीज के प्रति कि ये चीज ऐसे ही क्यों बनाई, चाहे किसी साइंटिस्ट ने बनाई हो, चाहे ह्यूमंस ने बनाई हो, चाहे कॉमर्स के किसी व्यक्ति ने बनाई हो, ये ऐसे ही क्यों बनाई, ये ऐसे क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, लॉजिक है। तो आपके दिमाग में क्या क्या बेसिक नीड्स होने चाहिए, क्या क्या आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आप एक संपूर्ण मानव की पर्सनैलिटी क्या होती है, एक अच्छे मानव एक बौद्धिक व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या होती है, वो पर्सनैलिटी चाहिए कॉम्पिटिशन एग्जाम को। तो आपको ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी, ये नीट और जेई की तैयारी एक आइडियल होमोसेपियंस बनाते हैं, एक आदर्श मनुष्य बनाते हैं, मानवीय तरीका हमें समझाते हैं। सबसे पहला तरीका जो हमारे अंदर होना चाहिए, थिंकिंग स्किल, जिसकी मैं अभी लंबे समय से चर्चा कर रहा हूं, आप में सोचने की क्षमता। मानव का सबसे बड़ा गुण ये है भैया, हमारा शरीर भले ही वेल मछली जितना बड़ा ना हो, हमारा शरीर भले ही हाथी जितना बड़ा ना हो, हमसे शारीरिक रूप से बहुत भारी भरकम जीव बैठे हैं, लेकिन उन सारे जीवों में सबसे बड़ा मस्तिष्क हमारा है, हैवीएस्ट और सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला ब्रेन रखे हुए हम। तो प्रकृति ने इंसान को बनाया ही सोचने के लिए है, समझने के लिए, तर्क बुद्धि के लिए इंसान को बनाया है, और कई इंसान के भेष में भी उस चीज को भूल जाते हैं, और वही इंसान अपनी तर्क बुद्धि, अपने इस मस्तिष्क, अपनी इस थिंकिंग स्किल के बेस पर उन बड़े बड़े वेल मछलियों को, बड़े बड़े हाथियों को कंट्रोल कर लेता है। तो ये दिमाग की ताकत का खेल है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। तो आप में एक बहुत ही बढ़िया थिंकिंग स्किल होनी चाहिए। आपको हमेशा साइंस का कोई भी फैक्ट पढ़ते समय, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय, इवन साइंस जिसको आप नेचुरल साइंस बोलते हो ना, 9th 10th में नेचुरल साइंस जिसको आप साइंस बोलते हो, मैथ्स नहीं, आपको सोशल स्टडी पढ़ते समय, आपको इंग्लिश पढ़ते समय, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय हमेशा हाउ एंड वाई, ऐसा ही क्यों बोला जा रहा है, किताबों में ऐसा ही क्यों लिखा हुआ है, टीचर्स ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं, उनको कैसे पता चला। देखो दो तरह के नॉलेज है, या तो हमने बनाए हैं और या नेचर ने बना रखे थे, हमने डिस्कवर किए। तो हमने बनाया तो ऐसा ही क्यों बनाया, वैसा क्यों नहीं बनाया, ये हमेशा क्वेश्चन उठना चाहिए। और नेचर ने बनाया तो ऐसा ही क्यों बनाया, वैसा क्यों नहीं बनाया, पहला व्हाई। दूसरा हाउ, जो हमें नॉलेज पढ़ाया जा रहा है ये किसी ने किसी को पता चला होगा पहली बार, कई चीजें हमें दिखती है, कई चीजें नहीं दिखती है, उनके बारे में साइंस बताता है। तो जो चीजें हमें डायरेक्टली दिखती नहीं है उसके बारे में साइंस ने पता कैसे लगाया, जो भी पता लगाया वही क्यों लगाया, और वो कैसे लगाया, हाउ हाउ एटम्स वर डिस्कवर्ड विदाउट सीइंग ए सिंगल एटम, एक भी परमाणु देखे बिना परमाणु कैसे खोज लिया गया, एक भी अणु देखे बिना 19th सेंचुरी में अणुओं की खोज हो गई, मॉलिक्यूल्स वर डिस्कवर्ड बाय एवोगाड्रो इनडायरेक्टली विदाउट सीइंग ए सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल देखे बिना मॉलिक्यूल की खोज कर दी, बताइए इतने छोटे पार्टिकल से मॉलिक्यूल, हाउ कैसे व्हाई क्यों, उनको बैठे बैठे क्या दिमाग में जचा जो उन्होंने एटम, क्या उनको ऐसा नजर आया कि उनको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में मानना पड़ा, एटम और मॉलिक्यूल को खोज लिया उन्होंने। तो ये हमेशा स्किल रखिए, थिंकिंग स्किल।
दूसरा होता है कि बच्चा जब क्या करता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देता है तो बड़ा ही वो सोचता है कि साहब मेरे तो जो है वो ठीक है, मैं ठीक ठाक तैयारी कर लेता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, ये केवल मानवों का गुण नहीं है, जीव का गुण है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की जीविता के बल पर जीव डेवलप हुए हैं। एक वायरस पार्टिकल, वायरस तो अभी यूं ही बहुत फेमस हो रखे हैं, एक वायरस पार्टिकल से एक सेल बनी, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बनी, यूकैरियोटिक सेल से केंद्रकीय कोशिका जिसमें परफेक्ट न्यूक्लियस था, केंद्रक था, उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, उनमें भी थोड़े सिंपल बने जिनमें केवल टिश्यू लेवल तक ही होता था, फिर ऑर्गन लेवल तक के एनिमल्स बने, प्लांट्स बने। कैसे बना? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें बढ़ने की जितनी ज्यादा चाह थी वो उतना ज्यादा बढ़ा। तो आप में फाइटिंग स्पिरिट होने चाहिए, आप इंसान हो, ह्यूमंस हो, आप बहुत ताकतवर हो, बस आपको अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। जब तक हनुमान जी को अपनी ताकत पता नहीं थी, वो एक सामान्य वानर का जीवन जी रहे थे। जब समय आया, जामवंत जी ने उन्हें बताया कि भाई तुम क्या हो, हु आर यू, एंड वी आर दोस जामवंत, हम वो जामवंत हैं जो आपको आपकी ताकत याद दिलाते हैं। और एक बार आपको अपनी ताकत याद आ गई, समझ आ गई, आपको भान हो गया, तो उस पर समझ लीजिए कि आप पूरे समुद्र को भी 3 छलांगों में पार कर लोगे। तो आप में बहुत बड़ी ताकत है, फाइटिंग स्पिरिट। ये चीज क्यों नहीं हो रही मेरे से नहीं हो रही, मेरे जैसे व्यक्ति से नहीं हो रही, पीछे पड़ जाओ उसको कि संसार में और कोई चीज समझ में आए नहीं आई, ये चीज समझ में आनी चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट। सक्सेसफुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी में बहुत फाइटिंग स्पिरिट होती है। और अच्छे गुरु मिल गए, फाइटिंग स्पिरिट है, थिंकिंग स्किल है, तो वो नॉलेज तो हमने लोगों ने ढूंढ रखा है, हमें तो केवल ढूंढे हुए नॉलेज को पढ़ना है, हमें कोई नया नॉलेज तो ढूंढना है नहीं, हमें तो केवल ढूंढे हुए नॉलेज को लॉजिकल वे में समझ के याद करके बहुत सारे तथ्यों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हुए उसे एक्सप्रेस करना है। और अगर हमने सिस्टमेटिक ढंग से चले हम तो बहुत आराम से हम उसको एक्सप्रेस भी करेंगे, बस वे सिस्टमेटिक होना चाहिए। 3 फॉलोअर ऑफ योर मेंटर्स, आप अपने गुरु का, एक बार अच्छे गुरु का चयन करने के बाद उसके अंधभक्त बन जाओ। थिंकिंग स्किल हो, फाइटिंग स्पिरिट हो और कीन फॉलोअर ऑफ योर मेंटर। फाइटिंग मतलब कोई अपने साथ में बच्चों की फाइटिंग नहीं करनी है आपस में, हिसाब सर ने कहा था फाइटिंग करनी है, 2-4 तो जाते हैं सबको घूसे लगाने। फाइटिंग स्पिरिट, आपको अपने आप से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट विद योर ओन, विद योर सेल्फ। कीन फॉलोअर ऑफ योर मेंटर्स, कीन फॉलोअर ऑफ योर मेंटर। आप अपने गुरु के, आपने कहानी पढ़ रखी होगी, एक गुरु के पास एक शिष्य रहता था। गुरु ने कहा, गुरु बहुत तरह से परीक्षाएं लेते हैं। आप गुरु ने कहा कि जा बेटा, लगता है खेत, सर्दियों का टाइम था, खेत की बाड़ टूट गई थी, और कहा जा कि जा बेटा खेत के अंदर लगता है कुछ बाड़ वाड़ टूट गई, पानी वानी कहीं खेत के अंदर नहीं घुसाई, बाढ़ टूट आई है, पूरा पानी से खेत भर जाएगा, फसल सारी नष्ट हो जाएगी। नाला जा रहा था पास में से, नहर के लोग अच्छी तरह से नहरी इलाके में रहने वाले जाते हैं, तो वो बांध टूट गया, वो डैम टूट गया, बांध छोटा कच्ची मिट्टी का बना हुआ पाल होती है वो टूट गई। तो देख के आ जा खेत की संभाल, आ कहीं ऐसा भी अभी थोड़ा मौसम ऐसा खराब चल रहा है, और जो भी हो व्यवस्था कर लेना। दूर था आश्रम से खेत, गया बच्चा, वहां जाके देखा खेत की पाल टूटी हुई है, गुरु जी खुद ही जानबूझ के तोड़ के आए थे उसकी परीक्षा लेने के लिए, और ऐसे तोड़ कर आए थे कि वो अकेला रोक नहीं सके। अब देख गुरु परीक्षा ले रहा था कि क्या करता है, बच्चे ने देखा, उस विद्यार्थी ने देखा, उसने कोशिश की, पानी का बहाव बड़ा तेज था, उसने पहले थोड़ी मिट्टी लगाने की कोशिश की, थोड़ी मिट्टी लगा था लेकिन वो मिट्टी साथ ही बह जाती, पानी रुक नहीं रहा था। फिर उसने देखा इधर उधर कोई लकड़ी डंठल, गुरुजी ने सारे हटा दिए थे, कोई डंठल वहां मिला नहीं, क्या करें क्या नहीं करें। गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही है, गुरु ने कह दिया, सर ने कह दिया, अब तो करना ही है, सर ने कह दिया 50 क्वेश्चन मिला के लाने ही है, क्या किया जाए। खुद ही उस पाल पे लेट गया जहां से टूटी हुई थी, भरी ठंड, जबरदस्त सर्दी, कड़ाके की सर्दी, और पानी बह रहा है, ठंडा पानी बह रहा है, और खुद ही वहीं लेट गया। कि गुरु ने कहा है कि बेटा अगर बाढ़ टूटी हुई हो तो पानी रोकना तेरी ड्यूटी है, अब कैसे रोकूं ये मेरी स्किल है, मुझे रोकना है, वहीं लेट गया और देखने लगा कि कोई
विद्यार्थी आ जाए, दूसरा तो आवाज लगा के उससे मिट्टी कंकड़ पत्थर मंगवा करके फिर हट जाऊं। अब खेत में जब मैंने देख लिया, जब तक मेरे देखे बिना पानी बह रहा था लेकिन अब मैंने देख लिया है तो अब रुकना ही चाहिए, तो रोकने के लिए खुद लेट गया। खूब देर हो गई, विद्यार्थी लौटा नहीं, गुरुजी गए, ठंड से बुखार आ गया, फीवर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन गुरुजी ने देखा, गए वहां पर और जा करके और देखा, कहा कि बेटा तुम धन्य हो, तुम सही शिष्य हो, तुम जीवन में जरूर सफल होगे। मैं तुम्हारी परीक्षा ही ले रहा था, ये पाल मैंने ही तोड़ी थी। लेकिन ऐसे विद्यार्थी ही सफल होते हैं। सर ने कह दिया ये करना है, खूब सारे बच्चे बैठे थे, खूब सारे बच्चे खड़े थे, गुरु ने कह दिया कि सामने पेड़ पे एक पक्षी है, उसकी आंख पे निशाना साधो, तीर कमान को साधो, तीर छोड़ना नहीं है, और मुझे बताओ क्या दिख रहा है। कोई बोला पेड़ दिख रहा है, कोई बोला पक्षी दिख रहा है, कोई बोला ये दिख रहा है पक्षी के पंख दिख रहे हैं, पेड़ के पास बैठे दूसरे पक्षी दिख रहे हैं। एक विद्यार्थी जो सबसे ब्रिलियंट था वो बोला कि सर सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है, और वो था अर्जुन। अर्जुन चाहिए, अर्जुन होते हैं तो द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय हो जाते हैं, भीष्म पितामह के सबसे प्रिय रहते हैं, और भगवान कृष्ण को के सबसे प्रिय हो जाते हैं। तो अर्जुन बनिए तो कृष्ण रूपी सफलता अपने आप मिलेगी। कीन फॉलोअर ऑफ योर मेंटर्स, अपने बड़ों का, अपने मेंटर्स का जबरदस्त आज्ञा पालन कीजिए। तो थिंकिंग स्किल, फाइटिंग स्पिरिट, कीन फॉलोअर। नेक्स्ट आता है रेगुलर 6 आवर सेल्फ स्टडी। बहुत बड़ी बड़ी विचार है आपके लेकिन कर्म नहीं है। 6 घंटे रेगुलर, ऐसा नहीं कि एक दिन जोश आया 8 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 2 घंटे नहीं पढ़े, तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ लिए, नहीं, इरेगुलरिटी नहीं चाहिए, डिसिप्लिन। आप रेगुलर 6 आवर सेल्फ स्टडी करें, सप्ताह में 6 दिन आपकी सेल्फ स्टडी, कोचिंग स्कूल के अलावा 6 आवर सेल्फ स्टडी निकलनी चाहिए आपकी। और रेगुलर, रेगुलर वर्ड पे विशेष जोर दिया है मैंने, ऐसा नहीं कि 6 आवर एवरेज, मैंने ये नहीं कहा कि 6 आवर एवरेज, कभी 8 पढ़ लो, कभी 4 पढ़ लो, और गणित लगा लो कि 8 4 12 2 6 हो गया सर, नो, 6 आवर सेल्फ स्टडी हो गई बट एवरेज हुई, रेगुलर नहीं हुई। आपको अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना ही है, 6 आवर कोचिंग स्कूल, 6 आवर आपका सेल्फ स्टडी। देखिए भारत या विश्व में कहीं भी हो, जो व्यक्ति सफल है ना, वो अपने कार्य को 12 घंटे दे रहा है। आपके पिताजी सफल बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को 12 घंटा दे रहे हैं। आपके पिता किसी संस्थान में, किसी जगह पर, किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो एडमिनिस्ट्रेटर है, अपने काम को 12 घंटा दे रहे हैं। कहने को वो 8 घंटा दे रहे होंगे, ऑफिशियल टाइमिंग के हिसाब से 9 घंटा दे रहे होंगे, लेकिन हकीकत में वो उससे 1 घंटा पहले भी एक्टिव हो जाते हैं, उसके 1 घंटा 1.5 घंटा बाद भी एक्टिव रहते हैं, वो एटलीस्ट 12 आवर्स दे रहे हैं। तो हर सफल व्यक्ति को अपने काम में, अपने मुख्य काम में 12 13 14 घंटे, बहुत बड़ा काम है तो 14 घंटे, अदरवाइज 12 आवर रेगुलर देवे तो बहुत सफिशियंट है, देना पड़ेगा। कोई आप अकेले नहीं दे रहे हो अपनी सेल्फ स्टडी में, आपके लिए उम्र के अंदर आपको फील होता है अरे यार हम कर रहे हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो, संसार के सारे सफल लोग कर रहे हैं, तुम कौन सा अकेले कर रहे हो। तो रेगुलर 6 आवर सेल्फ स्टडी, 6 आवर कोचिंग, कोचिंग कभी एबसेंट मत कीजिए। अच्छे बिजनेसमैन कभी अपने बिजनेस वेंचर में जाने से नहीं चुकते, अच्छे जो साइंटिस्ट है वो कभी अपनी लैब को एब्सेंट नहीं करते, बहुत अत्यधिक बीमार नहीं हो जाता था, मन मन कुछ नहीं होता, आज मन नहीं है, आज थोड़ा स्ट्रेस आया हुआ है, पापा को भी स्ट्रेस आया, वो दुकान जाते हैं, वहां बैठते हैं, बिजनेस सेंटर पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां जाके स्ट्रेस दूर हो जाता है। जीवन में आपको ये मैच्योरिटी लानी पड़ेगी कि जब आप काम करोगे तभी आपका स्ट्रेस दूर होगा, काम न करने से वो स्ट्रेस और बढ़ेगा। आपको 6 आवर सेल्फ स्टडी और 6 आवर कोचिंग स्कूलिंग का तो सोचना ही नहीं है कुछ, ये तो आपकी दैनिक दिनचर्या है, जैसे आप 2 टाइम खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट ले रहे हो, हवा ले रहे हो, पानी पी रहे हो, उस तरह से 12 आवर तो आपको बैठना ही है, उसके बाद सोचो मन लग रहा है कि नहीं लग रहा, 12 आवर में कोई मन वन नहीं है भैया, समझ में आ गई बात ये अच्छी तरह से। रेगुलर 6 आवर, डिसिप्लिन पर्सनैलिटी। देखिए डिसिप्लिन का मतलब केवल नमस्ते करना डिसिप्लिन नहीं है, आपको कोई मिल गया आपने बाहरी रूप से नमस्ते कर लिया, प्रणाम कर दिया, ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन इन लाइफ, देखिए आपके पापा मम्मी का आप देखोगे हर चीज का लगभग टाइमिंग एक फिक्स है, उनके खाने का टाइमिंग, उनके सोने का टाइमिंग, जो कुछ भी हो आप एक फिक्स रूटीन डिसिप्लिन, आपके लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, ये करना है ये नहीं करना है।
अभी आपका मेन टारगेट है कॉम्पिटिशन एग्जाम में सेलेक्ट होना। जब टारगेटेड तैयारी की जाती है तो बाकी चीज़ों से कुंडली मार के व्यक्ति उसी जगह बैठ जाता है और वो बाकी अदर एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज कर देता है। तो वो अदर एक्टिविटीज़ आपको मिनिमाइज कर देनी है। डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी आपको उन एक दो वर्षों के लिए जब आपको, वैसे भी लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तो वास्तव में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। आपके खाना खाने का, सोने का, पढ़ने का ऑलमोस्ट एक फिक्स रूटीन होना चाहिए जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े। 5-7 दिन में हिट एंड ट्रायल मेथड करके 2-3 रूटीन अपना लीजिए और जो रूटीन आपका सबसे अच्छा बैठ रहा है उस रूटीन को फॉलो कीजिए। कोशिश करने से सब कुछ संभव है। बाई प्रैक्टिस एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड। आप सोच रहे हो सर हमारा तो मन नहीं लगता, आप ठान लो तो मन भी लगने लगेगा। 3-4 दिन की बात होती है, हर चीज़ को 4 दिन चाहिए, है ना, 5 दिन चाहिए। शुरुआत में चीज़ थोड़ी कठिन होती है, धीरे धीरे समझ में आने लगता है, मन भी लगने लगता है, शरीर की आदत बन जाती है। एक बार एक्सरसाइज करते हैं, एक बार खेलते हैं तो भी तो शरीर कितना टूटता है ना। 2 घंटे खेल लिए, रेगुलर आदत नहीं थी, ओहो बड़ा बदन दर्द, क्या हो रहा है, घर आके मालिश कर रहे हैं, गर्म पानी से सेक कर रहे हैं ना। तो एक बार तो हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप में एक हुआ, मैं कर लूंगा, आई विल डू इट, मैं कर लूंगी, ऐसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो सेल्फ और डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, ये 7 गुण बताए हैं मैंने इसके अंदर, आप देख रहे हो। जो इनमें ये 7 गुण होते हैं वो व्यक्ति सफल होता ही होता है। इन 7 गुणों को प्राप्त करना ही आदर्श व्यक्तित्व बनना ही सफलता है। चाहे PMT हो, नाम भले नीट रख दो, भले IIT रख दो। तो डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको मोबाइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है। हाँ, अगर आप काम के, अभी इस तरह की जो कोरोना लॉकडाउन की कंडीशन है वहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा, तो वहाँ आप मोबाइल उस तरह से नहीं देख रहे हो, इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, अपनी पढ़ाई के लिए देख रहे हो, आप किताब देख रहे हो, मोबाइल नहीं देख रहे हो। आप कंप्यूटर देख रहे हो, मोबाइल कंप्यूटर की किताब देख रहे हो, आप कंप्यूटर रूपी किताब देख रहे हो आप। तो डिसिप्लिन, उधर उधर की फालतू बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट की आवश्यकता नहीं है कि हमें रेगुलरली 1 घंटा तो इंटरटेनमेंट डेली चाहिए, हम मोबाइल देखेंगे, गेम्स खेलेंगे, जरूरी नहीं। सप्ताह में 3 घंटा आप कोई टेलीविजन और देख लो, अपना कोई रुचि का प्रोग्राम और देख लो और बहुत आराम से इजीली आप हो जाओ। बाकी आप रेगुलर आधा 1 घंटा स्पोर्ट्स करो, वो ज़्यादा बेटर है, उससे आपको फिजिकली फिटनेस रहेगी। फिजिकल फिटनेस में होने से मेंटली आदमी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो रेगुलर TV वाचिंग, रेगुलर मोबाइल में गेम खेलना, सोशल मीडिया से बचिए। आप तपस्या कर रहे हो, तपस्या करने के लिए लोग पुराने जमाने में समाज से दूर एकांत में चले जाते थे, हिमालय पर्वत पे चले जाते, पहाड़ों में, जंगलों में चले जाते थे। किस लिए? क्योंकि जब आप किस चीज़ का रिसर्च कर रहे हो, किस चीज़ का अनुसंधान कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, उसको अंदर ही अंदर आपको गूंढना है, अंदर ही अंदर आपको उसको एनालाइज करना है, तो आपको आपका कंसंट्रेशन केवल उस नॉलेज की तरफ होना चाहिए। आप केवल उसी ओरा में रहिए। अब आप सोशल मीडिया, आपको क्या करना, 10 लोगों का जन्मदिन है, आपको क्या करना है? आप कैपेबल हो जाओगे तो आप उनको कंट्रीब्यूट कर दोगे। केवल जन्मदिन हाय हेलो करने से, जन्मदिन विश करने से आप उनकी मदद नहीं कर रहे हो, आप उनकी मदद करने योग्य बनो। तो डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, मोबाइल सोशल मीडिया से दूर रहना है, ध्यान रखना, नो हेजिटेशन टेंडेंसी। कई बार क्या होता है, जो डिसिप्लिन ज्यादा होता है ना, वो अंतर्मुखी हो जाता है और वो संकोची स्वभाव का भी हो जाता है। गुरु भक्त होता है, डिसिप्लिन होता है, कम बोलने वाला होता है, तो वो प्रॉब्लम्स भी नहीं पूछता, संकोच होता है कि आप पढ़ के खुद ही देख लूंगा, गुरु जी को क्यों परेशान करो। नहीं, आप वहां गुरु जी को परेशान नहीं, गुरु जी को प्रसन्न कर रहे हो। जब विद्यार्थी गुरु से क्वेश्चन पूछता है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है, समझदारी भरे क्वेश्चन पूछता है, गुरुजी को खुश, गुरुजी को प्रसन्नता होती है कि मेरे दिए गए ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहा है। आप पढ़ोगे नहीं रूल जुलूल क्वेश्चन, सर वापस समझाओ, तब तो फिर वो परेशान होंगे कि एक बार में समझता ही नहीं है, क्या ठोट बुद्धि है, क्या डल माइंड है क्या। और कोई भी अपना के बारे में कुछ भी आपको कमी लगेगी तो आपको खींच जाएगी। आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा है, वो आपका सबसे कीमती चीज है, अगर उसको आपको पता चलेगी डल माइंड है तो भी आपको गुस्सा आएगा। गुरु का गुस्सा भी प्रेम से भरा हुआ होता है। तो हेजिटेशन नहीं, अपनी छोटी से छोटे प्रश्न को मेहनत करने के बाद जब आपके मन में कोई वैज्ञानिक प्रश्न, साइंटिफिक क्वेश्चन राइज होता है, तो उसको हमेशा अपने टीचर से पूछिए, मौका देख के पूछिए। क्लास में सर को डिस्टर्ब नहीं करना है तो क्लास के बाहर अलग से पूछ लीजिए, क्लास के बीच में जो ब्रेक्स आते हैं उनमें पूछ लीजिए, प्रॉपर समय आने पर क्वेश्चन बैंक जब क्लास में डिस्कस हो रहा है उस समय पूछिए। जब जब बहुत डिस्कशन के मौके आते हैं वहां पर हमें चुप नहीं बैठना है, वहां हमें क्वेश्चन पूछना है। नो हेजिटेशन टेंडेंसी।
और मैच्योरिटी, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए जीवन में, क्या करना नहीं चाहिए। जो सही समय पर सही कार्य करता है वही जो है वो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है। आपको इतना मैच्योर होना है कि आपको क्या चीजें देखनी है, क्या नहीं देखनी है, आपको किन लोगों का साथ करना है, किन का नहीं करना, कौन सी गाइड पढ़नी है, कौन सी गाइड नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको अच्छी गाइड्स पढ़नी है, अच्छे मेंटर्स का साथ रहना है, अच्छे दोस्तों का सर्कल बनाओ जो पढ़ने वाले करियर ओरिएंटेड लोग हों, जो टारगेटेड हो, जो अपने लक्ष्य में दिन रात लगे हैं, उनसे डिस्कशन करो, उनके साथ रहो। क्योंकि अभी 25 वर्ष की उम्र तक आपको ज्ञान ही ज्ञान, नॉलेज ही नॉलेज लेना है। जितना नॉलेज ले लोगे उतने महान बन जाओगे। कृष्ण इसलिए महान थे क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज था। तो मैच्योरिटी, सोशल मीडिया से दूरी, एंड्रॉइड फोन से अनावश्यक दूरी, काम से तैयारी करनी है उस समय ले, नेट पे बहुत सारा कचरा, बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है, हमें उसको नहीं देखना है। हमें नेटफ्लिक्स, अमेजन, जिस तरह के ये जो सारे चल रहे हैं आजकल सीरीज चल रही हैं, उन सीरीज को नहीं लेना है, उन सीरीज को हमें डाउनलोड ही नहीं करना। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब से बचना है, है ना, इन सब से, सोशल मीडिया, हमें तो अनसोशल होना है, हमें तो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में सेलेक्ट होने के लिए एकांतवासी होना है, जंगल और पहाड़ों में जाने की तरह हो जाना है, हमें अनसोशल होना है। बाद में सोशल होने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, खूब आप करियर बना लो, फिर उसके बाद आप सोशल बनो, फिर आप सोसाइटी में उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए सोशल बनो। तो ये कुछ 7 बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद में आ जाता है जो मुख्य रूप से बड़ी बात है, वो है कि आइडियल मेथड ऑफ सेल्फ स्टडी क्या है, करेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, रोल ऑफ टेक्स्ट। कई बार हम क्या करते हैं कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट का भी चयन कर लिया, ये सारे गुण भी हमारे अंदर अच्छी तरह से हैं, हम थिंकिंग स्किल वाले व्यक्ति भी हैं, लेकिन हम सेल्फ स्टडी को आइडियली नहीं कर रहे, सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं कर रखा हमने। वैसे तो अगर आप अपने मेंटर्स को ढंग से फॉलो करोगे तो ये तो अपने आप ही सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, केवल सिस्टम के लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स भी थोड़े कम एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आइडियल मेथड ऑफ सेल्फ स्टडी क्या है, करेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन क्या है, मतलब जो आपका सेल्फ स्टडी का तरीका है, पर डे 6 hours to 7 hours सेल्फ स्टडी जो आप कर रहे हो, जो आप क्वेश्चन मिला रहे हो उसको भी आप प्रॉपर नहीं मिलाओगे तो आप 6 घंटे 7 घंटे दे रहे हो, रेगुलर दे रहे हो, थिंकिंग स्किल भी है, फाइटिंग स्पिरिट भी है, है ना, टीचर्स आपको बता नहीं पा रहे, जितनी बातें उन्होंने बताई आपने फॉलो भी अच्छी तरह कर लिया, फिर भी आप सेलेक्ट नहीं होगे। कॉम्पिटिशन इतना टफ है कि आपको 360 डिग्री प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो 33% रोल इसका है, 33 इसका है, 33 अच्छे टीचर्स का, 33 आपके इस बिहेवियर का, और 33% रोल इस चीज का है। और ये सारी चीजों के साथ साथ एक और एडिशनल जो ये रोल है वो भी आपको बताऊंगा लास्ट में। आइडियल मेथड ऑफ सेल्फ स्टडी, भाई आप अपनी सेल्फ स्टडी को, आपके 4 subjects है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, 11th 12th में पढ़ रहे हो, हिंदी इंग्लिश भी है, फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश भी है, है ना, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जेई के स्टूडेंट हो, तो आप अपने सब्जेक्ट्स का एक प्रॉपर रफ डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए कि साहब मेरे 4 subjects है। जैसे मान लीजिए मेरे आइडियली 4 subjects हैं, जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैं एक ड्रॉपर बच्चा हूँ और नीट का ड्रॉपर बच्चा हूँ और मेरे पास 4 subjects है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो मैं अब 4 subjects तो रोजाना पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं होता है। तो मैं क्या करूं, तो मैं मेरी सेल्फ स्टडी को 2 हिस्सों में बांट लूंगा, एक जो मुझे आज क्लासरूम में पढ़ाया गया उस क्लासरूम रजिस्टर की, उसके क्लासरूम क्वेश्चंस को वापस प्रैक्टिस करना, और कोई होमवर्क दिया गया 2-4 questions पर पीरियड में होमवर्क दिए गए तो उसको करना, वो मैं 2 घंटे अलग से कर लूंगा, सभी सब्जेक्ट्स का मेरा कवर हो जाएगा, डेली का काम मेरा डेली हो जाएगा। फिर जो बचे हुए 4 से 5 घंटे हैं उस पर मैं 2 subjects उठाऊंगा, एक दिन उठा दूंगा फिजिक्स के साथ बायो में से कोई एक सब्जेक्ट, बॉटनी या जूलॉजी, मान लीजिए मुझे फिजिक्स थोड़ा जनरली मैथमेटिकल सब्जेक्ट है तो बायो वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, है ना, वैसे सभी को थोड़ा सा टफ लगता है, लॉजिकल भी ज्यादा है, मैथमेटिकल भी ज्यादा है, तो फिजिक्स के साथ मैं बायो में जो मेरा ज्यादा स्ट्रांग है उसको उठा लूंगा। मान लीजिए मुझे बॉटनी ज्यादा ईजी लगती है तो मैं फिजिक्स के साथ बॉटनी उठा लूंगा, फिर केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी। तो जो डीप सेल्फ स्टडी है जिसमें मैं रेफरेंस बुक भी पढ़ूंगा, बोर्ड बुक भी पढ़ूंगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करूंगा, जो मेरी सीट्स हैं इंस्टीट्यूट की जो टीचर्स ने मुझे रखी है वो सॉल्व करूंगा, वो कहलाएगा डीप सेल्फ स्टडी। वो डेली 2 subjects सीख रहे, एक दिन फिजिक्स और बायो का 1 subject
एक दिन केमिस्ट्री जूलॉजी, जेई वाले क्या करें एक दिन ले लें फिजिक्स, और फिजिक्स के साथ आप ले लें इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, और एक दिन मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 घंटे तो रेगुलर सेल्फ स्टडी ऑफ क्लासरूम वर्क, जो भी क्लास में करवाया गया उन फॉर्मूलाज को वापस रिवाइज करना, लिख लिख के रिवाइज करें, रफ कॉपीज आप जो है वो लर्निंग रफ कॉपीज अलग से डाल लें, उन लर्निंग रफ कॉपीज में आप जो है वो लिख लिख करके फॉर्मूलाज डेरिवेशन याद करें, फॉर्मूला सीधे से कितने फॉर्मूला याद करोगे आप, है ना, लिख लिख करके डेफिनेशंस बोल बोल के याद करें, एक बार डेफिनेशन फिर उसको बंद किया फिर बोला तो डेफिनेशंस को बोल बोल के, डायग्राम्स और डेरिवेशंस को लिख लिख करके याद करना, है ना, बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए तो चैप्टर के एंड में सारे फॉर्मूलाज वापस लिख करके देखो कितना मेमोरी पावर बना, उनके चार्ट्स बनाओ। तो इस तरह से अपनी तैयारी को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो 2 आवर रेगुलर क्लासरूम सेल्फ स्टडी, 4 to 5 आवर डीप सेल्फ स्टडी, 4 आवर डीप सेल्फ स्टडी में 2 सब्जेक्ट, डीप सेल्फ स्टडी में रेफरेंस बुक पढ़ना, बोर्ड बुक पढ़ना और क्वेश्चन बैंक मिलाना, उसमें 2 सब्जेक्ट मिला लिए, किस तरह से फिजिक्स और बायो वाले ने एनालाइज किया, थोड़ा सा अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रिवाइंड करके आप बार बार इसको देख सकते हो। ये जो क्लासेज है 26 मई तक आपके इस ऐप में रहेंगी, तो 26 मई तक आप इनको बार बार देख सकते हो। करेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, अब हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जेई और की प्रिपरेशन के लिए उस लेवल के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनाते समय आप थ्योरी के साथ साथ आपका क्वेश्चन बैंक ऐसा होना चाहिए कि पूरी थ्योरी के जो टॉपिक वाइज बांटा हुआ है उसके साथ साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चन होने चाहिए, जिनको हम डीपीपीज बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो थ्योरी के साथ साथ 50% प्रैक्टिस तो वैसे करनी है, 50% चैप्टर राउंड होने के बाद करनी है। उसमें भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन 1 by 1 नहीं मिलाना, 1 क्वेश्चन मिलाया फिर आंसर देखा, ऐसा नहीं करना है। कम से कम आपने एक टॉपिक पढ़ा पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना आपने थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, तो थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल के क्वेश्चन सारे 15-20 क्वेश्चन डीपीपी में दिए रखे हैं, तो वो एक साथ मिलाइए और उनका आंसर एक साथ देखिए, पूरा फाइट कीजिए, सीधा आंसर में देखिए, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ थ्योरी देखिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो थ्योरी देखना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ सीधा आंसर देख लिया, थ्योरी देखो, थ्योरी से अपने आप क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करो, थ्योरी रजिस्टर पास में लेके बैठो, रेफरेंस बुक पास में लेके बैठो, अनुसंधान करो, वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा उसको टेस्ट की तरह मत मिलाओ कि नहीं नहीं मिलेगा तो सबसे पूछ लूंगा, बहुत जल्दी गिव अप मत करो, पूरा फाइट करो, भले ही आप थ्योरी देख के क्वेश्चन मिलाइए बट आप क्वेश्चन अपने आप बिना आंसर देखे मिलाने की कोशिश कीजिए, फाइट कीजिए क्वेश्चन के साथ, ये है। और 10-15-20 क्वेश्चन मिलाने के बाद आंसर की देखिए, 1 to 1 आंसर मत देखिए, वरना अगले क्वेश्चन का आंसर भी आपको साथ में फोकट में दिख जाएगा, अपने साथ धोखा मत कीजिए। फिर आपको इतना सारे फैक्ट्स एक साथ पढ़ने पड़ते हैं, आपने डेरिवेशन भी याद कर लिए, लेकिन स्पीड भी बहुत मैटर करती है, नीट में तो स्पीड का बहुत महत्व है, तो फटाफट वो चीजें आपके पास स्पीडली आ जाए, बहुत ज्यादा उनके लिए डेरिवेशन नहीं करना पड़े, तो आपके लिए उसके लिए ट्रिक्स, चार्ट्स और म्यूचुअल डिस्कशन, स्टूडेंट्स आपस में इधर उधर की बातें मत किया करो, अपना कोई टेंशन नहीं है जो आपको हल्का करना है, साहब हम तो फ्रस्ट्रेशन दूर करते हैं, किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है ही नहीं, कोई स्ट्रेस आ ही नहीं आपके, बार बार एग्जाम्स की मत सोचा करो, पढ़ाई की सोचो, अपने अगले टेस्ट की सोचो केवल, है ना, पूरा आगे जो मई जून की मत सोचो, तो उससे स्ट्रेस नहीं आएगा। आपस में पढ़ाई की बातें ज्यादा करें, एक दूसरे के डाउट सॉल्व करें और एक दूसरे से बड़े आराम से बहुत ही आदर पूर्वक बात करें, एक दूसरे को कभी भी टीज करने की कोशिश नहीं करें, छोटी छोटी बातों अपने अपने आप को खुश रखें, आप दूसरों को खुश रखोगे दूसरे आपको खुश रखेंगे। चार्ट्स बनाते रहें, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का चार्ट्स बना लीजिए, जिनको बार बार समय समय पर जब भी वो टेस्ट में आए तो रिवाइज करते रहिए। ट्रिक्स बनाइए, सॉन्ग्स बनाइए, पॉइंट्स बनाइए, कोई सीक्वेंस याद करना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है, पीरियोडिक टेबल याद करनी है, बहुत सारे एलिमेंट्स का सीक्वेंस याद करना है, सीक्वेंस पूरा 116 एलिमेंट्स का, 118 एलिमेंट्स का पूरा सीक्वेंस हाइड्रोजन से लेकर के लास्ट तक आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए ट्रिक्स बनाइए, ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल याद होने चाहिए, पीरियड वाइज पीरियोडिक टेबल याद होने चाहिए, तो ऐसी ट्रिक्स आपको टीचर्स भी बताएंगे साथ साथ में खुद की भी ट्रिक्स बनाइए। और इस तरह से ये सारे प्रॉपर्टीज के द्वारा आप एक बहुत अच्छे, आप जो चीज करें वो डूब के करें, अब आपकी पर्सनैलिटी की निखार तब आएगा, आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, अपनी लिमिटेशन सीमाएं पता चलेंगी और उन सीमाओं का दायरा बढ़ेगा, आपकी मेहनत का दायरा बढ़ेगा, आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा। तो ये 3 मुख्य गुण है। इसके साथ साथ आपका फ्रेंड सर्कल आपकी तरह ही करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, फालतू की बैड हैबिट्स वाले, हमें किसी को सुधारना नहीं है, अभी फिलहाल हमें अपना करियर बनाना है, जब हम करियर बना लेंगे तो हम हजारों लोगों को सुधारेंगे,
अभी किसी एक को सुधारने के चक्कर में हजारों लोगों का नुकसान नहीं करना है। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे बच्चों के पीछे खराब हो जाते हैं कि साहब वो फ्रेंड है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ पा रहा हूँ और मैं उसको सुधार लूंगा। किसी को नहीं, उस एक को सुधारने के चक्कर में जो आप हजारों को सुधार सकते हो, लाखों को सुधार सकते हो, उनका नुकसान कर रहे हो आप। अपना ध्यान रखिए। अगर वो बच्चा कोई आपके साथ वाला स्टूडेंट गेयर लाइन में है, सुधर नहीं पा रहा है, ट्रैक पे नहीं है, तो आप उसके पेरेंट्स को, आप उसकी शिकायत नहीं कर रहे हो, वो उसके वेल विशर हैं, वो उसके सबसे बड़े जो है वो हितेशी हैं और वो उनकी फसल है। तो किसान को तो बताओ उनकी फसल खराब हो रही है, उनके गुरु गुरु रखवाला है फसल का, है ना। वो जो उस बच्चे के पेरेंट्स है, वो उसके मालिक है, उसके किसान, उस फसल के किसान है वो। तो उनको आप बता दीजिए, वो अपना रोल प्ले करेंगे, आपने उसका भला किया है। आप सर को बोल दीजिए कि सर मैंने उसकी शिकायत के लिए नहीं कहा है, मेरा अच्छा दोस्त है, वो सुधरे इसलिए कहा है। उसके पेरेंट्स को बताइए, उसको भी कहिए पहले, और एक बार कह के फिर उनके पेरेंट्स को इंडिकेट कर दीजिए और आप अपना मस्त रहिए। आपने उसकी हेल्प की है, वो जीवन में आगे जाके जब मैच्योर होगा तो वो आपका धन्यवाद देगा, वो आपका सच्चा दोस्त बनेगा। तो अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाइए, अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छे दोस्तों का समूह, आपके अंदर ये सातों लक्षणों का मिक्सचर हो जाए और आप पढ़ते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेवें, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका नाम भी न्यूज़पेपर्स में छपेगा, आपके घर वाले भी आपको देख करके प्राउड फील करेंगे और आप एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी में बदल जाएंगे और लोग आपसे सुनना चाहेंगे कि आपने किस तरह टारगेट बनाया, किस तरह मेहनत की और किस तरह सक्सेस को अचीव किया। ये जो PMT, IIT, IAS एग्जाम्स हैं, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इतना सम्मान क्यों है? क्योंकि दुनिया उन सब का सम्मान करती है जो लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य को साधने के लिए योजना बनाते हैं, उस योजनाओं को लागू करते हैं और अंत में सफलता मेहनत से। हो सकता आप एक आधी बार उसमें असफल भी हो जाएं, लेकिन अंततः आप सफल होंगे। और उन सफल लोगों के लिए दुनिया उनसे मिलना चाहती है, उनसे जानना चाहती है, क्योंकि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और उनको पता चल चुका होता है कि इस व्यक्ति के पास वो पूंजी आ गई है, वो चाबी आ गई है कि हाउ टू मेक अ टारगेट एंड हाउ टू अचीव दैट टारगेट। और आप तब आप उस रेयर पर्सनैलिटी में, एक नॉर्मल पर्सनैलिटी से उस रेयर पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाते हो और उन रेयर पर्सनैलिटीज का पूरा विश्व सम्मान करता है, इसलिए आपका भी होगा। आपके जीवन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप जो करोगे पूरे आत्मविश्वास के साथ करोगे, मानव समाज की भलाई के लिए करोगे, विश्व की प्रकृति की भलाई के लिए करोगे। तो सिंथेसिस इस तरह के मोटिवेशनल सेमिनार्स हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए भी लगाता है और आम स्टूडेंट्स जो सिंथेसिस के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी लगाता है CSR एक्टिविटी के तहत। तो समय समय पर हम इस तरह से फिर आपके सामने अलग अलग माध्यमों से आते रहेंगे, आप इनका फायदा उठाइए। गुरु का कर्तव्य है विद्यार्थियों को, शिक्षा लेने वाले लोगों को सही राह दिखाना। सिंथेसिस प्रयास करता है कि वो इस सही राह को दिखाने में थोड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए। हम कितना सफल हो पाते हैं, कितना सफल नहीं होते हैं, वो तो हमारे विद्यार्थी तय करेंगे कि हमने कितने सफल विद्यार्थी इस मानव समाज को दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इन क्लासेस से एक बार वापस इस बोर्ड को अच्छी तरह से देख लीजिए पॉज करके, और आप इन बातों से जो है वो लाभान्वित होंगे। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ 4 से 5 के बीच जो आपसे नए जो मेरे साथी डायरेक्टर्स हैं वो मिलेंगे। कल शायद स्वेद सर का टर्न है, परसों जेठवल सर का टर्न है, तो आपको अलग अलग टॉपिक पर डेली एक टॉपिक पर हम बात करेंगे जिससे कि आपका जीवन बदले और आप सफलता की ओर अग्रसित हो। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके बच्चों का करियर बने।